अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? और बाबा जी आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा अच्छा, तो आप ये बताएं आपका नाम क्या है बाबा जी? बशीर। मोहम्मद बशीर। ये गंजा भाई कौन है? ये गंजा कौन है? हाँ जी, इनके अपना ही बंदा। अपना बंदा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपने बाल लगाए हैं, आप इससे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लड़के लग रहे हैं। अल्लाह बुरी नज़र से आपको बचाए। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आमीन जी। और आपके साथ ये कौन बैठे हैं? मंजूर राणा। मंजूर राणा साहब और मुन्ना। जी जी, ये मुन्ना साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं। हाँ जी। ये बहुत अच्छे हैं। बहुत। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये साथ छोटे साहबजादे इनके बैठे हैं, इनका क्या नाम है जी? जुबैर साहब हैं जी। अच्छा, तो बाबा जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 85 साल। 85। कितनी? 85 साल। 85 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी नज़र भी सही है, आप सुनते भी सही हैं, सुनते भी सही हैं। मेरे कान बड़े। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप बाबा जी ये बताएं, आपके दांत हैं या गिर गए हैं? गिर गए सारे। दांत कोई भी नहीं बचा? नहीं, चक्की मार के भागे। तो आप दिखाना जरा, दांत हैं कि नहीं? दांत कोई नहीं है बाबा जी के। और आप रोटी खाने में आपको मुश्किल होती है, आसानी से खा लेते हैं या मुश्किल से? अच्छा, अब ये जो साथ आपके गंजा बैठा है आदमी, ये गंजा सा, गंजा ओ, आप तो आप भी वही हालत में आ गए। अब मैं क्या करूं, पहचानना मुश्किल हो गया थोड़ा सा। तो अच्छा, ये जो गंजा आदमी है बाबा जी, ये बहुत मुझे ना थोड़ा सा शरारती सा लग रहा है। हाँ जी। तो जी क्या कह रहे हैं मंजूर साहब आप? वो कह रहे हैं कि बाबे आंदे वाल उगन गए कि नहीं? महन नहीं, बाबे आंदे वाल जी हुन नहीं उगन गए। भावे तुसी देसी घी ही ला लो या गरी दा तेल ला लो, वाल नहीं उगन गए। अलबत्ता है, हो सकता है कि ए जेड़े तुसा अपने नकली वाल लाए ए लाओ दे ओ बाबा जी दियो ते बाबा जी दी खूबसूरती बढ़ जावे। ऐ देखो जी, ऐ देखो नाजरीन, ऐ देखो, ऐ ओ बाबा जी सन जेड़े सिर तू गंजे सन, ते हुण इन्हां ने वाल ला लैन, ते देखो हीरो लग रहे हैं बाबा जी। बशीरा डाकू लगन डिया है, ते ऐ इन्हां दे नाल वेखो ना कद्दू दे सेर वाला जेड़ा बैठा है गंजा। ये देखे बाबा, थोड़ा जिम वाल वेखना ही। ये गंजा वो है जो बच्चों को डराता है, बच्चों से चीजें खो के खा जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई बाबा जी आपसे मिलके, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। तो ये देखें नाजरीन, बाबा जी का ना एक और दोस्त भी आ गया है, उनसे ना उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं बाबा जी के। अंदर आ जाएं आप सारा। जी बैठो, बैठे बैठे जी, बैठे बैठे चारपाई पे। अच्छा नाजरीन, बाबा जी से बातचीत करते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बाबा जी से मिल के। आप उनके भाई आए, आप बड़े हैं कि छोटे हैं जी? बड़े बड़े भाई। अच्छा, आपसे छोटे हैं। तो आप ये बताएं जी, आपके भाई ने ये जो बाल लगाए हैं सर पे, देखें नकली, ये बाल लगा के खूबसूरत लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? आप बताएं जी।
कैसे लग रहे हैं? ठीक है। बाल लगा के अच्छे लग रहे हैं? अच्छा अच्छा। बाबा जी कह रहे हैं उनके छोटे भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई बाल लगा के बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ये हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त लेते हैं, ज़िंदगी रही तो फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वो बाबे ने नहीं कुछ कही जी। नाजरीन देखें, ये बाबा जी की भैंस है, बहुत नखरे वाली भैंस है, बहुत गुस्से वाली भैंस है। ये किसी दूसरे आदमी को, बच्चे को, औरत को अपने नज़दीक नहीं आने देती, लेकिन बाबा जी की इनसे बहुत मोहब्बत है। अब बाबा जी उसको मार रहे हैं, चमूठियाँ काट रहे हैं, भैंस फिर भी नहीं हिल रही। देखें बाबा जी से कितनी भैंस की दोस्ती है, मुझे ऐसे देख रही है जैसे दुश्मन को देखते हैं। आप देख सकते हैं तो ये देखें नाजरीन, इसके साथ और भी भैंस है, वो भी गुस्से में आ गई है। वो भी कहती है कि ये कौन है कैमरे वाला भाई, इसको भगाओ इधर से। बाबा जी उनके पास गए, उनको समझा रहे हैं। ये देखें जनगा।